हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमस ममा। और आज मैंने बनाया है भिंडी दो प्याज़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम भिंडी ली है और उसे अच्छे से वॉश करके और इस तरह से कट कर लिया है। और दो प्याज ली हैं जिसे मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है। और मसालों में मैंने लिया है मेथी दाना, लाल मिर्ची, नमक, खटाई, धनिया, हल्दी और एक प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर ली है, ऑयल, और हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है मीडियम फ्लेम पे, और अब हम इसमें जो हमने भिंडी काट के रखी थी वो हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। ये जायके में बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें 3 से 4 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई कर लेना है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मज़े की होती है, तो एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा प्लीज़। और ये देखिए, मैंने भिंडी को निकाल लिया है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें सेम ऐसे ही ऑयल डालेंगे और प्याज को भी सिर्फ स्लाइटली फ्राई करना है 2 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऑयल और ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी उतना तक फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये देखिए, प्याज को 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे अलग निकाल लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाना। हल्का सा ये क्रैकल हुआ है, हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। तो 3 हरी मिर्च थी, मैंने इस तरह से कट करके ऐड कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज मीडियम साइज़ की, जो मैंने बारीक कट करके डाली है। इसे हल्की से हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, प्याज जो है वो हल्का सा कलर चेंज करा है। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसमें टोमेटो की प्यूरी भी ऐड कर सकते हो, और एक टमाटर काट के ऐसे रफली काट के भी डाल सकते हो। तो स्पाइसेस जितने भी थे, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, या फिर अपने सेहत के अनुसार आप इसमें ऐड कर दीजिए। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो ये देखिए, जब हमें जब तक इसको भूनना है तब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए सरफेस पे। तो ये देखिए, जो ऑयल है वो सरफेस पे आ गया है। और अब हम इसमें जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई करी थी पहले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले के साथ। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे, पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना है। लो फ्लेम करके आपको इसे 10 से 12 मिनट के लिए रख देना है, या फिर आप बीच में चेक कर लो कि आपकी भिंडी जो है वो टेंडर हो गई है या नहीं हो गई है। ये देखिए, जो भिंडी है वो अच्छे से गल गई है, मैंने चेक करा है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर डाला है, अमचूर पाउडर, और ये सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए नहीं बल्कि 1 मिनट के लिए आपको गैस पे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर अब देखिए, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो हाफ़ आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारी भिंडी दो प्याज़ा जो है वो बन के रेडी है। और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है मुझे ये रेसिपी। हमारे घर में सबको पसंद है, तो पराठे के साथ, रोटी के साथ आप अच्छे से एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर करिए और मेरे व्लॉग्स भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।